नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे जीवन्या चैनल में। मेरा नाम राज छेत्री है और जो मेरे चैनल में पहली बार आए हैं उन्हें बता दूं कि मैं एक CDA चाइल्ड डेवलपमेंट एड और एक स्पेशल एजुकेटर हूं। मैं पिछले 13 वर्षों से बच्चों के विकास के लिए काम कर रहा हूं। देखिए, जब पेरेंट्स हमारे पास थेरेपी के लिए आते हैं और उनसे जब बातचीत होती है तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं पेरेंट्स जो है ऑटिज़म को एक बीमारी समझते हैं और वो पूछते हैं कि इसका इलाज क्या है और ये बीमारी कैसे ठीक होगी। तो मुझे लगता है कि अभी भी अवेयरनेस की कमी है पेरेंट्स में, इसलिए मैंने आज ये वीडियो बनाने का सोचा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो इसी टॉपिक के साथ। देखिए पेरेंट्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ऑटिज़म कोई बीमारी नहीं है, ये कोई डिजीज़ नहीं है, ठीक है। इसका पूरा नाम है ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। यहाँ पर डिसऑर्डर वर्ड आता है और डिसऑर्डर और डिसीज़ दोनों अलग अलग आते हैं, ठीक है। और जब आप इलाज के बारे में बात करते हैं कि इसका इलाज क्या है, तो ऑटिज़म का कोई इलाज नहीं है क्योंकि ये जो है बीमारी नहीं है और इलाज जो होता है बीमारी का होता है, ठीक है। ये एक डिसऑर्डर है, इसका क्या होता है, इसका मैनेजमेंट होता है, इसको मैनेज किया जाता है, इलाज नहीं किया जाता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो पेरेंट्स बच्चे को लेकर उसका असेसमेंट करवाते हैं अपने बच्चे का और उनको डायग्नोस मिलता है कि आपके बच्चे को ऑटिज़म हो गया है, तो पेरेंट्स बहुत घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और अपने बच्चे को ठीक करने के लिए वो उन लोगों की बातों में आ जाते हैं जो ये दावा करते हैं कि हम आपके बच्चे को ठीक कर देंगे, ऑटिज़म को हम बिल्कुल ठीक कर देंगे, तो वो उनकी तरफ चले जाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जो मल्टी विटामिन्स हैं और ये ग्लूटेन फ्री, सीजन फ्री डाइट और स्टेम सेल थेरेपी, ऑक्सीजन थेरेपी, ये सब जितने भी चीज़ें हैं ये सब अभी रिसर्च बेस्ड चल रही हैं। अभी कोई भी डेवलपमेंटल पीडियाट्रिक एक रिकमेंड नहीं करता है कि आप ऑटिज़म का इससे वो है ठीक हो जाएगा बोल के, किसी ने अभी रिकमेंड नहीं किया है। हाँ, लेकिन ये रिसर्च बेस्ड चल रहा है और अभी चल ही रहा है, ठीक है। तो अभी जो है आप ये मत सोचिएगा कि कोई दवाई देंगे तो ऑटिज़म ठीक हो जाएगा, डॉक्टर के पास हम जाएंगे और बोलेंगे इसका इलाज कर दो तो ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इसका एक ही इलाज है, एक ही ट्रीटमेंट है, इलाज नहीं बोलूँगा मैं, एक ही ट्रीटमेंट है, वो है मैनेजमेंट। आप ऑटिज़म को मैनेज कर सकते हैं और वो होगा थेरेपी के द्वारा। आप बच्चे की थेरेपी कराइए, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजियोथेरेपी, है ना, काउंसलिंग सेशन और स्पेशल एजुकेशन। तो ये चीज़ें आप बच्चे को प्रोवाइड करेंगे तो बच्चे में जो है इम्प्रूवमेंट आएगा, जो स्थिति में अभी बच्चा है उससे इम्प्रूव होकर आगे बढ़ेगा वो, ठीक है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, आप दवाइयों के चक्कर में रहेंगे कि दवाई खिलाया और ऑटिज़म इसका ठीक हो गया, तो वो पॉसिबल नहीं है। देखिए बेसिकली ऑटिज़म में क्या होता है कि बच्चा जो है ऑटिज़म, पूरा इसका नाम है, ऑटिज़म का पूरा नाम होता है ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर और एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, ठीक है। न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर में क्या होता है कि बच्चा का जो दिमाग है वो अन्य बच्चों की तुलना में, जो उनके अन्य बच्चे की तुलना में जो है अलग तरीके से काम करता है, इनका दिमाग पर काम करता है, ठीक है। इनके सीखने का तरीका जो होता है वो अलग होता है। अगर आप इनको इनके सीखने के तरीके से सिखाएंगे तो ये ज़रूर सीखेंगे, ठीक है। पर हम क्या करते हैं, हम अपने तरीके से सिखाते हैं बच्चे को, तो वो बच्चे को सीखने में टाइम लगता है। इनमें इम्प्रूवमेंट आता है, 100% आता है। आप बच्चे के साथ काम करेंगे और जिस तरीके से सीखते हैं आप उन तरीके से सिखाएंगे तो बच्चे जल्दी सीखेंगे और इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर जो है बिहेवियर के द्वारा ही हम सब बता पाते हैं कि इसको ऑटिज़म है, क्योंकि ऐसे कोई बीमारी तो है नहीं, कोई इसका बायोलॉजिकल मार्कर तो नहीं होता है कि आपने DNA देखा और DNA देख के आपने बता दिया कि हाँ इसको ऑटिज़म है, इसको ऑटिज़म नहीं है, ऐसे तो हो नहीं सकता, है ना। तो ये कैसे मालूम पड़ता है, एक बिहेवियर के द्वारा, कि बच्चा कुछ ऐसे बिहेवियर करता है जो एक टिपिकल बच्चा नहीं करेगा, जैसे आई कॉन्टेक्ट नहीं देना, एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करना, सोशलाइजेशन की कमी होती है, कम्युनिकेशन इनका प्रभावित होता है, स्पीच डिले होता है, अपना जितना होना चाहिए भाषा उतना विकास नहीं हो पाता है। तो क्या ये सब बिहेवियर होता है, बच्चा अलग तरीके से शो करता है जो अलग अन्य बच्चों से अलग रहता है, तब डॉक्टर जब बता पाते हैं कि हाँ इसको ऑटिज़म है, उस क्राइटेरिया में आ जाता है इस बिहेवियर के, ठीक है। तो मतलब बिहेवियर पे हमें जो है काम करना होता है, इसमें बच्चे का बिहेवियर पे हमने काम किया तो बच्चे में इम्प्रूवमेंट आ जाता है, बजाय इसकी दवाइयों के चक्कर में। दवाइयाँ खिलाएंगे कि दवाई खा के ठीक होगा तो नहीं होगा, बिहेवियर मैनेजमेंट पर काम करेंगे जरूर इम्प्रूवमेंट आएगा। एक्चुअली ये क्या चीज़ें हैं जो ये चीज़ें जो समय लेती हैं, आप अगर स्पीच थेरेपी की बात करेंगे, ऑक्यूपेशनल थेरेपी की बात करते हैं हम, स्पेशल एजुकेशन की बात करते हैं, बिहेवियर मॉडिफिकेशन की बात करते हैं, ये चीज़ें टाइम लेती हैं, समय लेती हैं चीज़ें बच्चे को, पर इम्प्रूवमेंट आता है। दवाइयाँ खिलाएंगे, दवाइयों से रिएक्शन हो जाएगा बच्चे को, कुछ नुकसान भी हो सकता है, ठीक होने का तो नहीं है पता, लेकिन रिएक्शन जरूर हो जाएगा बच्चे को। पर ये जो चीज़ें हैं, ये थेरेपी है, ये बच्चे को ज़रूर हेल्प करेगी। और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ डॉक्टर ही करेंगे, थेरेपिस्ट ही करेंगे, ये आप भी कर सकते हैं घर में, बस आपको वो तरीका आना चाहिए
कि किस तरह से हमने बच्चे के साथ काम करना है, किस तरह से हम उसके बिहेवियर को चेंज करना है हमने कि इसमें इम्प्रूवमेंट आ जाए हमारे बच्चे में। और आता है, बहुत से बच्चों में इम्प्रूवमेंट आता है। ठीक है, तो ये आप, मेरा वीडियो आज के इसी टॉपिक पे था कि मैं आपको बता पाऊँ कि ये कोई बीमारी नहीं है, एक डिसऑर्डर है और इसका जो है मैनेजमेंट होता है। तो आप इस पे काम करिए बच्चे के साथ, तो इम्प्रूवमेंट ज़रूर आएगा। ठीक है, और किसी भी दवाइयों के चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, है ना, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये डॉक्टरों का कहना होता है। और हमारी एक पूरी टीम होती है, हम तो डॉक्टर के टच में रहते हैं, उनसे बातचीत रहती है, हमारी थेरेपिस्ट के टच में रहते हैं, बातचीत हमसे उनसे होती रहती है। तो ये हमने इतने साल के करियर में हमने ये सीखा है, हमें मालूम पड़ा है ये चीज़ें, तो हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं उस चीज़ों को। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। ठीक है, अगर कोई आपके क्वेश्चन होंगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि उसका मैं आपको रिप्लाई कर पाऊँ। चलिए, आज के लिए इतना ही था, नमस्ते।